आप देख रहे हैं वेस्टेड न्यूज़। वेस्टेड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव दो चरणों में है, जहां पहले चरण के मतदान 4 मई और दूसरे चरण के मतदान 11 मई को होना है। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर हर नगर में चुनाव प्रचार जोरों पर है। मेरठ में भी चुनाव प्रचार का कार्य जोरों पर है और मेरठ से गठबंधन की प्रत्याशी सरधना से विधायक की पत्नी और रालोद बसपा सपा गठबंधन की प्रत्याशी सीमा प्रधान, जो मेयर के पद पर चुनाव लड़ रही हैं, उनके लिए अतुल प्रधान ने एक पदयात्रा का आयोजन किया। इस पदयात्रा में उन्होंने जगह जगह वोट मांगे, जहां इस पदयात्रा में भारी भीड़ देखने को मिली। ये पदयात्रा फलाहेआम से होकर शहर के विभिन्न इलाकों से होती हुई पिलोकड़ी चौकी तक निकली। यात्रा में जहां जनता का जोश देखने को बंदा था, गठबंधन के झंडों से पूरी तरह से चारों तरफ अटा हुए पड़े थे रास्ते और भारी भीड़ के हुजूम लगातार दिखाई दे रहे थे। अतुल प्रधान पर फूलों की वर्षा हो रही थी। अतुल प्रधान के साथ जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह सपा और महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी भी मौजूद थे। वे उनके साथ साथ अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस पदयात्रा की खासियत यही थी कि यात्रा जहां से भी निकलती थी, एक भीड़ का हुजूम उसके साथ रहता था और साथ ही साथ झंडे लिए हुए कार्यकर्ता भीड़ का एक हुजूम, और देख सकते हैं कितने जोश के साथ एक युवक को साइकिल के साथ नाचता हुआ भी आप साफ देख सकते हैं। ये जोश, ये जुनून किसी और के लिए नहीं, सिर्फ सीमा प्रधान के लिए है, जो नगर में मेयर की प्रत्याशी हैं और मेरठ नगर से चुनाव लड़ रही हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अतुल प्रधान पर फूलों की वर्षा हो रही है। लगातार ऐसे दृश्य नगर में आपको दिखाई देंगे। इस पदयात्रा की खासियत यही है कि जहां से भी ये यात्रा निकलती, इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं का एक हुजूम देखने को मिलता। पूरे शहर में जहां भी अतुल प्रधान पहुंचते, उनका स्वागत किया जाता, भव्य स्वागत, फूलों से स्वागत, फूल बरसा कर स्वागत, एक बहुत बड़ी तादाद कार्यकर्ताओं की। आप देख सकते हैं हमारे साथ फेस्टेड न्यूज के बने रहिए। साथ ही साथ इस यात्रा के जनसैलाब ने यह भी साबित कर दिया कि मेरठ की सरजमीन में या मेरठ में अगर आने वाले चुनाव का कौन जीतने वाला है, कौन इस चुनाव का सबसे बड़ा प्रत्याशी है, कौन मेयर की कुर्सी पर बैठने वाला है, ये भीड़ साबित कर रही है। भीड़ का ये प्यार प्रत्याशी के लिए है और सभी यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी है, उन्हें इस प्रत्याशी पर बहुत भरपूर यकीन है। आप देख सकते हैं ये जो भीड़ है और इस भीड़ का जो प्यार है, देखते ही बनता है। भारी भीड़ है, कार्यकर्ता और उत्साह का पूरा जोश देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं ये यात्रा जो है देर शाम तक चलती रही, लगातार कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहे और जो भी रास्ते में आता वो इनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ जाता। फूल मालाओं से अतुल प्रधान का स्वागत किया जाता। आप देख सकते हैं शाम का समय हो चुका है, लेकिन कार्यकर्ताओं की और लोग भीड़ की तादाद अभी भी बढ़ती ही जा रही है। लगातार बढ़ती हुई भीड़ ये साबित करती है कि इस मैदान में अतुल का सानी कोई नहीं, और अतुल प्रधान, जिनकी पत्नी सीमा प्रधान मेयर पद की प्रत्याशी है मेरठ से, उनकी जीत सुनिश्चित करती ये भीड़ साफ बता रही है कि उनका जो प्यार है, वो उनका जो आशीर्वाद है, सीमा प्रधान के लिए है। वेस्टर्न न्यूज़ के लिए मैं शाविद सेंजेदी।